फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 28 अक्टूबर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बैच के। अपना नाम बता दीजिए। मैं जगदीश प्रसाद हूँ, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। यूपी लखनऊ से। अच्छा, ये बता दीजिए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? सर, मैं साल भर से काम कर रहा हूँ। कितने साल भर से? साल भर से। अच्छा, ये बताइए, क्या कभी किसी आईसी को आपने निकाला है, रिवॉल्व करके लगाया है उसको? कभी नहीं, कभी नहीं किया है। अच्छा, यहाँ आके कितने दिन हो चुका है आपको? हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन है। अच्छा, ये बता दीजिए, क्या आपको यहाँ पर रिवॉल्विंग सिखाई गई है? सिखाया गया। अभी आता है आपको रिवॉल्व करना? कोई भी सेट का हो, डेड नॉर्मल सेट, कोई भी सेट का हो, सबका रिवॉल्व कर लोगे? कितने दिन हो चुका है? आज चौथा दिन। चौथा दिन है और सुबह के 10-11 बज रहे हैं, यानी 3 दिन की क्लास हो चुकी है आपकी, और आप प्रॉपर सेट को आप रिवॉल्व कर सकते हो। और आईसी निकालना लगाना आता है आपको? आईसी निकाल के फिर लगा के ऑन करके भी दे दूंगा। ऑन करके भी दे दोगे? क्या बात है, बहुत अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका। सही बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर, बस ऐसे। अच्छा, यहाँ पर आपको सब चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई गई है या फिर ऐसे ही बोल देते हैं यहाँ पर? नहीं सर, पहले प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसके बाद जो चीज होता है नहीं समझ में आता उसको बताया जाता है, जो समझ में नहीं आता तो बताया जाता है प्रैक्टिकली करके। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 28 अक्टूबर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बैच के। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अतिया रहमान सेज है। कहाँ से आप? मैं कलकत्ता से। अच्छा, कितने दिन हो चुका है क्लास को? मेरा चौथा दिन है। चौथा दिन है और आज की सुबह की क्लास लगी है हमारी, यानी 3 दिन हो चुके हैं आपके। तो 3 दिन में आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? मैंने कंप्यूटर की पूरी नॉलेज ले ली है, टेस्टिंग की भी ले ली है, आईसी रिवॉल्विंग भी सीखा है, और आज मैं जो है फिर ऑन सेट का सीपीयू निकाल कर रिवॉल्व करके फिर भी बैठा है, उसके बाद वो सेट ऑन हो गया। अच्छा, ठीक है, बता दीजिए एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ डीसी मशीन में आप देख सकते हैं, ये अभी सेट ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर डीसी मशीन में भी आप देख सकते हैं, सेट ऑन हो चुका है इनका। रीडिंग आप देख सकते हैं 7, 8, 10, 15, 20 तक आएगी। देखिए यहाँ पर कीपैड की लाइट भी आ चुकी है। इसका हमारे पास डिस्प्ले नहीं है, है ना? नहीं सर, मैं यूनिवर्सल से इसको रिवॉल्व किया। हाँ, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपने इसको रिवॉल्व किया। अभी अगर अभी आपको कोई भी 4G हैंडसेट दे दोगे तो उसका आईसी रिवॉल्व कर लोगे? बराबर। आपने MNC भी तो रिवॉल्व किए हैं यहाँ पर, CPU भी रिवॉल्व किया है, है ना? कितने 3 दिन में आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पर बता दीजिए। मैंने कंप्यूटर की पूरे नॉलेज ली, उसके बाद जो है कोई भी आईसी को जो है रिवॉल्व किया, और उसके बाद जो है आज ये जो है हैंडसेट को मैंने ऑन सेट किया, CPU निकाल के रिवॉल्व करके फिर जो है बैठा, उसके बाद अभी कैसा लग रहा है आपको? आपने आईसी निकाल के लगाए भी हो CPU? नहीं, कभी नहीं किया, पहली बार। कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 3 साल से काम कर रहा हूं। 3 साल से कर रहे हो और कभी CPU MMC वगैरह निकाला नहीं है, रिवॉल्व नहीं किया है? नहीं। और अभी आप 3 दिन में ये सब सीख चुके हो? सीख चुके। तो क्या कहना चाहोगे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आके सीखना चाहे? आएगा तो परफेक्ट हो गया, हो जाएगा वो, क्या यहाँ से बाहर निकल गया। हाँ, कोई भी आ सकता है, सीख सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाता है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी होता है। कितने बजे से कितने बजे तक होते हो आप इंस्टीट्यूट में? 8 से शाम 8 को। 12 घंटे करीब करीब हम यहाँ पर होते हैं ना। ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार थाली मार दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अतीउर रहमान। फ्रेंड्स, हमारे साथ 28 अक्टूबर बैच के एक और स्टूडेंट है। आप कहाँ से हैं? सर, मैं नागपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? अनंत मालपानी। अनंत मालपानी। हाँ सर। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हो? सर, मैं इस फील्ड में तो फ्रेशर हूँ। बिल्कुल फ्रेशर हो? हाँ सर। अच्छा, और आज कितने दिन हो गए आप आके यहाँ पर? दूसरा दिन। दो दिन ही हुआ है और आज सुबह 2 घंटे की क्लास हुई आपकी। 2 दिन 2 घंटा। क्या क्या सीखे हो आप यहाँ पर? सर, यहाँ पे कंपोनेंट का पूरा नॉलेज मिला है। यहाँ पे अभी मैंने CPU निकाल के वापस लगाया। अच्छा, कभी आप IC निकाल के लगाए थे कभी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं किए थे। ठीक है, बता दीजिए, आपका सेट ऑन हुआ है? ठीक है, ऑन कर दीजिए, एक बार बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर इसका CPU निकाला और उसको सही प्रॉपर तरीका इनको पहले बताया गया है और उन्होंने इस तरीके से इसको लगाया है। चलिए देखते हैं इनका सेट, ये बता रहे हैं ऑन हो चुका है। ये देखिए, जैसा कि यार DC मशीन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका रीडिंग 30, 40, 50 तक जा चुका है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। तो इसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तो बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला।
और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। ये अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ। मोबाइल में कुछ ला के डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करायचे। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल सारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। And ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.